नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, छठे वेतनमान प्राप्त कर रहे सभी शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते डीए में जो है वृद्धि की जा चुकी है। आज की जो है लेटेस्ट दोस्तों, मैं आपको न्यूज दिखाने जा रहा हूँ कि जो छठे वेतनमान जो भी प्राप्त कर रहे हैं शासकीय सेवक, सभी के जो है डीए में महंगाई भत्ते में वृद्धि की जा चुकी है। 9% की वृद्धि की गई है दोस्तों। अभी तक जो हमें मिल रहा था 203%, अब वो बढ़कर हो गया है 9 जुड़कर 212%। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको पूरा आदेश दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, तो पूरा आदेश देखिएगा। इसके अगले वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें पूरी सैलरी हमारी बनेगी, जो डीए बढ़ चुका है उसके अनुसार किस तरह से पूरी सैलरी बनेगी और इन हैंड कितनी सैलरी हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम सीधे आदेश पर ही आते हैं। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल द्वारा आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक देख सकते हैं आप, भोपाल दिनांक 13 फरवरी 2023 को ही निकला है आदेश। प्रति शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश। विषय महत्वपूर्ण यही है, छठे वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि। ठीक है, तो पंचायत सचिव महोदय को भी जैसा कि छठे वेतनमान मिल रहा है, तो छठे वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे सभी शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक ये दिया हुआ है 21 सितंबर 2022 द्वारा राज्य शासन के छठे वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 1 अगस्त 2022 जिसका हम भुगतान माह सितंबर 2022 में किया जाना था, से 203% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपयुक्त दरों में वृद्धि करते हुए निम्नानुसार तिथि व दर से महंगाई भत्ता दिया जाए। अवधि जब से देय है, छठवां वेतनमान अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2023 से जिसका भुगतान माह फरवरी 2023 में होना है, महंगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत 9% है। तो 9% डीए दोस्तों जो है बढ़ा दिया गया है छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे सभी शासकीय सेवकों का, जिसमें पंचायत सचिव भी शामिल हैं। उपरोक्त वृद्धि के उपरांत महंगाई भत्ते की दर 1 जनवरी 2023 से जिसका भुगतान माह फरवरी 2023 में होना है, कुल 212% हो जाएगी। ठीक है, तो पहले 203% था, 203 प्लस 9 तो 212% हो जाएगी। महंगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक ना हो। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार उप सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग से आदेश निकाला जा चुका है और प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है। ठीक है, अवर सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दोस्तों, जितने भी लोग जो है छठा वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं उनके डीए में जो है 9% की वृद्धि कर दी गई है। टोटल 212% डीए हो गया है, जिसमें पंचायत सचिव महोदय भी शामिल हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार अच्छा, मैं इसका दोस्तों आपको कैलकुलेट करके भी अगला वीडियो बना दूंगा किस तरह से अभी जो हमें छठे वेतनमान के अंतर्गत जो वेतन मिल रहा है उसमें इस वृद्धि के बाद कितना वेतन इन हैंड आएगा और जो एनपीएस कटौती जो हो रही है उस वो कटौती के सहित कितना वेतन बनेगा वो भी बता दूंगा। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है, आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।